और ये YouTube पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है कल में माइलेज आपको और इस व्हीकल की इंजन की बात है अभी 6 फेज 2 में। चेसिस की लंबाई की बात करें तो GBW और वारंटी की बात करें प्राइस अभी कुछ तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं सोनू और स्वागत है मेरे चैनल डायग्नोज ट्रक पे। आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं जिसका टॉपिक है टाटा 1923 कमिंस रिव्यू वीडियो और ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है तो वीडियो पे बने रहें। और आप देख सकते हैं इसका फ्रंट व्यू में आपको टाटा का मिडिल में लोगो मिल जाता है, ऊपर में लिखा हुआ TATA टाटा मिल जाता है और साइड में आपको 1923 की बैजिंग मिल जाती है और दो बम्पर मिलते हैं, एक बम्पर में आपका हेडलाइट अटैच रहता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट अटैच करने का स्पेस मिल जाता है और इंडिकेटर हैलोजन में देखने को मिलता है और ऊपर में वाइपर एक लगा हुआ मिलता है, एक आपको साथ में मिलता है, आप बॉडी बनाने के टाइम में उसको लगा सकते हैं। और दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं नीचे में सेफ्टी के तौर पे और यहाँ पे आपको टोचन पिन मिल जाता है और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट अटैच करने का स्पेस मिल जाता है। और आप देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल में आपको फुटस्टेप मिल जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए और इस व्हीकल में टायर आपको 1020 देखने को मिलता है और ब्रेक्स आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं और जो कि ABS के साथ में आता है। इसका डीजल टैंक देख सकते हैं 365 लीटर का डीजल टैंक है जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में देखने को मिलता है और इस व्हीकल में माइलेज आपको 4 से लेकर 6 का देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको डेफ टैंक मिलता है, डेफ टैंक इसमें आपको 60 लीटर का देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ सेंसर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको सप्लाई यूनिट मिल जाता है जो कि डेफ को सप्लाई देता है आगे तक। और इस व्हीकल में प्लीज़ बाहर का डेफ यूज़ ना करें, इस व्हीकल के टाटा के किसी भी व्हीकल कोई भी कंपनी का व्हीकल हो बाहर का डेफ यूज़ ना करें। उससे होता क्या है कि मशीन आपका रहता टेस्टेड टाटा के हिसाब से, तो टाटा अपने हिसाब से डेफ बनाती है। अगर आपके पास महिंद्रा का कोई गाड़ी है तो महिंद्रा का डेफ यूज़ करें, आयसर का व्हीकल है तो आयसर का ही डेफ यूज़ करें, बाहर का डेफ यूज़ ना करें। बाहर का डेफ में मिक्सिंग होता है, अगर आपका ड्यूजिंग सिस्टम ख़राब भी होता तो कंपनी अगर पकड़ लेती उस चीज़ को तो वारंटी देने में आपको दिक्कत दे सकती है। और आप देख सकते हैं इसका लीफ स्प्रिंग कुछ ऐसा देखने को मिलता है और आप पॉज करके गिन भी सकते हैं लीफ स्प्रिंग। और यहाँ पे आपको नीचे में ब्रेक के एक्चुएटर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ ग्रिल्स मिल जाते हैं बॉडी बनाने के टाइम में आपको यूज़ करना ताकि आपका व्हीकल सेफ रहे, अगर कोई टकराए भी तो अंदर ना जाए, बाहर ही टकरा के रह जाए। और चलिए इसको आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं, देख सकते हैं इसका पीछे का व्यू। पीछे में आपको ऊपर में दो व्हील चौक देखने को मिल जाते हैं और इसमें बैक सेंसर मिलता है आपको टोटली 5 और टेल लाइट आपको फुल्ली LED देखने को मिलता है और नीचे में एक बम्पर मिलता है जो कि येलो और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। फ्रेंड आपको दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल, इस साइड का प्रोफाइल कैसा देखने को मिलता है, सिमिलर उसी साइड के जैसा ही है। यहाँ पर भी आप लिप स्प्रिंग कुछ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पिन मिल जाते हैं जो कि ग्रीस कराना टाइम टू टाइम। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर मिलता है, यहाँ पे उसका कुछ मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है जिससे कि आप टूल लगा के इसको नीचे ला के यूज़ में ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाते हैं, दो बैटरी मिलता है 12-12 वोल्ट का, 24 वोल्ट में ये व्हीकल आता है। और यहाँ पे बैटरी कटअप स्विच मिलता है, प्लीज़ इसको यूज़ करें अगर गाड़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर खड़ा कर रहे हैं पार्किंग में लगा रहे हैं तो। और आप देख सकते हैं इसका एयर टैंक जो कि आप एक देखने को मिलता है, पहले के जितने भी व्हीकल थे सारे में दो देखने को मिलता था, आप साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया इसीलिए एक ही में काम चल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टेयरिंग ऑयल का जार, इसमें स्टेयरिंग फिल्टर भी होता है तो प्लीज़ इसको टाइम टू टाइम चेंज करें, उससे होगा क्या कि आपका स्टेयरिंग पंप स्टेयरिंग गियर बॉक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑयल के कारण। और यहाँ पे आपको डीजल फिल्टर मिल जाता है वाटर सेपरेटर वाला, इसको टाइम टू टाइम चेंज करें और चेक कराते रहें ताकि आपका डीजल सप्लाई सही रहे, अगर पानी चला जाता आपके इंजेक्टर में तो इंजेक्टर ख़राब हो सकता है जिसके कारण मिस फायरिंग भी हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एयर फिल्टर का बॉक्स देखने को मिलता है, यहाँ से आप एयर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। और इस एयर फिल्टर को क्लीन ना करें, क्लीन करने से इसका पेपर लीक कर जाता है और डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाते हैं जिसके कारण आपका इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, पिस्टन वगैरह ख़राब हो सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको फुटस्टेप देखने को मिलते हैं। और इस व्हीकल में चलिए आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं जो कि अब थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, बटन्स में चेंजेस है, चलिए ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि BS6 Phase 2 में अब चेंज कर दिया गया है, सिग्ना वाला स्टीयरिंग व्हील सभी व्हीकल में आने लगा है। और यहाँ पे आपको मिडिल में चमकता हुआ टाटा का लोगो मिल जाता है, उसके साथ में ही बटन मिलते हैं हॉर्न के। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ यूनिक देखने को मिलता है, यहाँ पे जो फ्यूल गेज है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है, येलो कॉम्बिनेशन मिलता है। और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, इस साइड में आपको RPM मीटर मिलता है, इधर आपको टेम्परेचर मीटर मिलता है और यहाँ पे आपको किलोमीटर मिल जाता है
यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैवी मोड लाइट मोड के जितने भी सिंबल है यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे न्यूट्रल और रिवर्स देखने को मिलता है, और इस साइड में आपको डेप्थ का गेज मिल जाता है। और फ्रेंड देख सकते हैं इसका स्विच सारा चेंज कर दिया गया बी ए सिक्स फेज टू में। जैसे कि आप देख सकते हैं मीडियम में लाइट अब यहाँ पे जलेंगे, हैवी में यहाँ पे जलेगा, सारा कुछ मतलब अलग अलग जलेंगे नीचे में। और ये रीजनरेशन स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यहाँ मिल जाता है, यहाँ पे इंजन ब्रेकिंग मिल जाता है। इस साइड में आपको टूल के लिए लाइट जलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको हजार्ड का मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेल्प का मिल जाता है, और यहाँ पे कुछ यूज़र गाइड मिलता है हेवी मोड लाइट मोड को यूज़ करने के लिए। और आप देख सकते हैं फ्रंट फ्यूज बॉक्स का सेक्शन, सारे वायरिंग्स इसमें चेंज कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अब नैनो फ्यूज देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको ओबीडी कनेक्टर के लिए अलग से स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे आपको छोटा सा एसीडीसी कन्वर्टर मिलता है इतना छोटा साइज का, और यहाँ पे आपको वीसीयू देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको ब्लोवर भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ढका हुआ है, इसमें ब्लोवर भी देखने को मिलता है इस व्हीकल में। और सिग्ना वाले केबिन में आपको बड़े वाले में एसी भी देखने को मिलेगा। और इस व्हीकल की इंजन की बात करें तो 5.6 लीटर का इंजन मिलता है कमिंस के तरफ से, और जो इसका पावर है 230 एचपी का देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 850 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है। और चलिए इसका इंजन का साउंड सुनाते हैं कि साउंड कैसा देखने को मिलता है V6 फेज 2 में। इस व्हीकल की चेसिस की लंबाई की बात करें तो 22 फीट और 24 फीट दोनों में देखने को मिलता है, और इसका GBW 18,500 kg का मिल जाता है आपको। और वारंटी की बात करें तो 6,00,000 किलोमीटर और 6 साल की देखने को मिलती है। और प्राइस अभी कुछ रिवील नहीं हुआ फ्रेंड, तो प्राइस हम बता नहीं पाएंगे, प्राइस आते ही हम कमेंट में ज़रूर डाल देंगे क्या प्राइस है इसका। और इसी टॉपिक के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नई नई वीडियोज़ के लिए। और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी बिजनेस है आपका तो मेरे से जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।